शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान यह कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एक आहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत महाशिवरात्रि तथा होली के मध्य में आता है, तथा इस एकादशी में आंवले के फल का अति विशेष महत्व होता है। अतः फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आंवल की एकादशी या आंवला एकादशी अथवा आंवला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आंवल की एकादशी को आंवलक्य एकादशी भी कहा जाता है। आंवल की का अर्थ आंवला ही होता है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में गंगा नदी के समान श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय माना गया है। पीपल के समान आंवले के पेड़ में प्रत्येक देवी देवताओं का वास माना गया है। स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को फाल्गुन मास की आंवला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आंवला को देवतुल्य माना गया है। आंवल की एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस वृक्ष के प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास कहा गया है। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु जी का वास होने के कारण वृक्ष के नीचे श्री हरि का पूजन किया जाता है। इस पावन दिवस आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन तथा आंवले का दान करने का विधान है। आंवल की एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 मार्च गुरुवार की प्रातः 6:39 से प्रारंभ होकर 3 मार्च शुक्रवार की प्रातः 9:11 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2023 में आंवल की एकादशी का व्रत 3 मार्च शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस वर्ष आंवल की एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 4 मार्च शनिवार की प्रातः 6:46 से 9:01 तक का रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 11:43 का रहेगा।
दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।